गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने सीपीयू को क्लीन करोगे। अगर आप लोग दोस्तों अपने सीपीयू को क्लीन नहीं करोगे तो काफी सारी परेशानी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है अपने पीसी में। सबसे पहले परेशानी दोस्तों ये होगी कि धूल आपके पीसी के अंदर चली जाएगी, जिसके कारण दोस्तों आपका पीसी लेग करने लगेगा। दूसरी चीज ये है कि धूल मदरबोर्ड में चिपक जाएगी, तो बारिश के मौसम में दोस्तों वही धूल ठंडी पड़ जाती है, जिसके कारण दोस्तों आपका सीपीयू चालू नहीं हो पाता है, पावर ऑन ही नहीं हो पाता है। और दोस्तों तीसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि जो ये पंखे आते हैं सीपीयू के अंदर, उसके बैक साइड में दोस्तों इतनी ज्यादा डस्ट जमा हो जाती है जो कि वह पंखे का जो वजन है वो बढ़ा देती है, और जितनी स्पीड से दोस्तों पंखा घूमना चाहिए उतनी स्पीड से घूम नहीं पाता है, और वो है दोस्तों ये डस्ट। तो आपको दोस्तों डस्ट को कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बिना स्किप करे वीडियो पूरा देखिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी डस्ट को क्लीन करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आपको चाहिए दोस्तों एक ऐसा ब्रश, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये है दोस्तों मेरे पास मेकअप ब्रश, जिसका दोस्तों डंडा टूट गया था, तो मैंने क्या करा कि पेंट को ऐसे लगा दिया, तो मेरा काम इससे हो जाता है। लेकिन आप लोग दोस्तों जो पेंट ब्रश आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे वाले जो ब्रश आते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने सीपीयू को हम लोग बाहर निकालते हैं, और उसके बाद आपको भी सिखाते हैं कि कैसे आप लोग अपने सीपीयू को क्लीन करोगे, क्योंकि मैं तो भाई वो समय समय पर क्लीन करता रहता हूँ, जिस कारण कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो ऐसे साफ करते रहिए, आप लोग इसे घर पे साफ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप लोग दुकान में जाके भी साफ करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने सीपीयू को निकालते हैं बाहर। सबसे पहले तो टर्न ऑफ करते हैं पीसी को, फिर निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को अपने सीपीयू के पीछे जितने भी वायर कनेक्टेड है उन्हें सभी को निकाल देना है, फिर दोस्तों सीपीयू को ओपन करना है। A few minutes later, तो ये रहा दोस्तों अपना सीपीयू, जिसे कि मैंने बाहर निकाल दिया है, जो वायर कनेक्ट है उन सभी को हटा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि जो बाहर से इसे सबसे पहले आप लोग क्लीन कर लेंगे इस कपड़े की मदद से। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है कभी कभार, और ये मैग्नेट सी चीज़ें दोस्तों हम लोग निकाल देते हैं। इस कैबिनेट में दोस्तों हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम लोग इसे निकाल सकते हैं साइड में, और ऊपर से जो भी धूल हो उसे सबसे पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हवा का भी इस्तेमाल करेंगे अपने फूंक से, भाई वो जो धूल निकल नहीं रही है उसे उड़ा सकते हैं, जहाँ पर हमारा ये कपड़ा ना पहुँचे, हमारा ब्रश ना पहुँचे, वहाँ पर दोस्तों हवा पहुँच जाती है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि कांच को निकाल लेते हैं। देख पाओ तो भाई इसके ऊपर भी काफी ज्यादा धूल आ चुकी है, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी धूल है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितनी धूल इसके अंदर जमा हो चुकी है। यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों मदरबोर्ड के अंदर भी आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा धूल जमा हो चुकी है, और यहाँ पर पंखों में तो भाई वो धूल ही धूल है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैक साइड, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो मेरी उंगली में धूल नहीं है, और यहाँ पर अंदर की साइड से मैं देखो इसके अंदर धूल निकलेगी। तो ये दोस्तों पंखे को भारी कर देती है, और जितनी स्पीड से घूमना चाहिए उतनी स्पीड से पंखा घूम नहीं पाता है, जिसके कारण दोस्तों पीसी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नीचे की धूल है ये वाली, इसको हम लोग साइड में हटा देते हैं। इसके लिए हम लोग अपने इस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सब साफ हो चुका है इतना, और जो चीजें दोस्तों हो सके रूमाल से या फिर कपड़े से साफ, उस चीजों को आप लोगों को सबसे पहले कर लेना है। और जहाँ पर दोस्तों आपका हाथ ना पहुँचे ना रूमाल पहुँचे, वहाँ पर दोस्तों ब्रश का इस्तेमाल आपको करना है। और भाइयों सफाई करते समय ध्यान रखना है कि इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर कोई चीज़ें टूट ना जाए, आपको बड़े ध्यान से दोस्तों इसे साफ करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो वायर है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा धूल आपको उठती हुई देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर धूल ही धूल है,
और जहाँ पर भाई वो आपको लगे कि फूंक मारने की जरूरत है वहाँ पर जरूर फूंक मारें। अगर आपके पास ऐसा कोई मशीन है जिससे भाई हवा फेंक सकते हो तो उसका इस्तेमाल करें। देख रहे हो आप लोग सही साहब, बहुत ही ज्यादा धूल निकली इसके अंदर से। आप लोगों को धूल दिख रही है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा धूल दिख रही है यहाँ पर, तो इन सभी को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग धूल देख सकते हो कि कितनी उड़ रही है, यहाँ से निकल रही है। ये सारी धूल है भाइयों, इसे सही से साफ करना बनता है। जो भाइयों पंखे होते हैं इसे आप लोग निकाल के भी साफ कर सकते हो ये वाला, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं यार, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। निकालो फिट करो, लेकिन आप लोग निकालना चाहें तो भाई स्क्रू होते हैं साइड में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रू मिल जाएंगे, ये रहे, इनको निकालिए, फिर पंखे को आप लोग फिट कर दीजिए साफ करने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रश को इस साइड से वहाँ पर जाने दे रहा हूँ और इस तरह घुमा रहा हूँ, इस तरीके से साफ हो जा रहा है। आप लोग देख सकते हो कितनी धूल निकल रही है वहां। A few minutes later. अब बारी आती है दोस्तों इसकी। हम लोगों ने भाई इस साइड से इस तरीके से इसको जाने दिया है और एक एक पंखुड़ी को साफ करना है, एक एक पंखुड़ी जो भी है। फिर इसकी बारी, इस तरीके से हम लोग घुमाएंगे इसको, तो ओपन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक हाथ से भाई पंखे को पकड़ना है, फिर इससे साफ करना है। फिर जोर से फूंक मारनी है, साफ हो जाए। दोबारा से भाई धूल ही धूल हो गई है, क्योंकि धूल तो कहीं जा नहीं रही, इधर ही आ रही। और समय समय पर दोस्तों आपको इसे साफ करते रहना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका पीसी सही तरीके से चलता रहे, रन करता रहे। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से इसे मेंटेन करके रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लंबे समय तक पीसी आपका चलता रहेगा, काम देता रहेगा। तो यहाँ से दोस्तों पीसी सही तरीके से साफ हो चुका है, और अभी दोस्तों बारी आती है इसके SMPS को क्लीन करने की, जो कि भाई और नीचे रखा हुआ है। तो चलिए उसको भी निकाल दें और उसे भी क्लीन कर रहे हैं। और दोस्तों इस एरिया में धूल इतनी चली जाती है कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। और यहाँ से भाई इस एरिया को क्लीन कर दे सब। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क के ऊपर देखोगे तो इतनी ज़्यादा धूल आ चुकी है, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं सही तरीके से। तो यहाँ पर SMPS को मैंने ओपन कर दिया है, इसके नट सारे निकाल दिए इसको, और इसको निकालते हैं बाहर और करते हैं थोड़ा सा क्लीन। इसको भाई खोल नहीं पाते, वरना इसके अंदर भी धूल बहुत ज़्यादा जमा है। इसके अंदर भी भाई बहुत ज्यादा धूल है, लेकिन इसको ओपन नहीं कर सकते हम लोग। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो भाई कुछ इस तरीके से हम लोग अपने CPU को क्लीन कर सकते हैं ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर साफ नहीं करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको भी बताया जाए कि कैसे आप लोग घर बैठे अपने CPU को क्लीन कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।